नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट अकेडमिक यूट्यूब चैनल पर और हम डिस्कस कर रहे थे आपका इंडियन पॉलिटी और ये आपका सेकंड लेक्चर है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पहला क्वेश्चन निकाला टू प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट मोस्ट क्लियरली एक्सप्रेस द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू तो ये आर्टिकल थर्टी और आर्टिकल ट्वेंटी टू आर्टिकल ये रिट्स पावर देता है किसको सुप्रीम कोर्ट को टू देता है आपको हाई कोर्ट को पावर ठीक है आगे चलते हैं लिखा हुआ है जुडिशियल रिव्यू की अगर बात करें आर्टिकल जो आपका थर्टीन है उसके थ्रू होता है याद रखना आप लोग तो लिखा हुआ है जुडिशियल रिव्यू रेफर टू द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू एंड डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द लॉ और रैशनैलिटी ऑफ एन ऑर्डर इट इज़ डिफाइंड एज द डॉक्ट्राइन अंडर द विच एग्जीक्यूटिव एंड एंडस्लेटिव एक्शंस आर रिव्यूड बाई द जुडिशरी आर्टिकल थर्टीन टू बोलता है ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टेड दैट द यूनियन और द स्टेट सेल नॉट मेक एनी लॉ दैट टेक्स अवे और द अब्रिजिस एनी ऑफ़ द फंडामेंटल राइट्स एंड एनी लॉ मेड इन द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द अ फॉर मैं मैंडेट सेल टू बी एक्सटेंड टू द कॉन्ट्रवेंशन टू बी वाइड पहला आता है जैसे इसमें लिखा है जुडिशियल रिव्यूज कॉल्ड अपॉन टू इंश्योर एंड प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स विच इज गारंटेड इन द पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना यह हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए होता है दूसरे क्या तो पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया टू इफोर्स दीज़ राइट्स इज ऑप्टेन फ्रॉम द आर्टिकल थर्टी टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस प्रोवाइड्सिजन विदेक्ट सॉरी विद द राइट टू डायरेक्टली अप्रोच द एस ए टू सीक रेमिडीज अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स द पावर ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द इंडिया टू इन्फोर्स दिस राइट ऑपरेन्ड फ्राम द आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस प्रोवाइड द सिर्जन विद द राइट टू डायरेक्टली अप्रोचेज टू हाई कोर्ट टू सीक रेमडीज अगेंस्ट द वायोलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बट लिमिटेड टू इट याद रखना पावर ज़्यादा होता तो किसके पास होती है हाई कोर्ट के पास होती है हाई कोर्ट के पास ये लीगल राइट्स के लिए भी होती है और फंडामेंटल राइट्स के लिए भी होती है पर सुप्रीम कोर्ट के पास केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए पावर होती है ठीक है ना अगले कहते कोर्ट दियर फोर हैजस्टेब्लाइज द फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ फोर द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुडिशियल रिव्यू जुडिशन ट्रेसेबल टू द आर्टिकल थर्टीन थर्टी टू वन थर्टी सिक्स वन फोर्टी टू वन फोर्टी सेवन एंड टू ट्वेंटी सिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनमें लिखा हुआ है सारा ठीक है ना ज आर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूल गवर्नमेंट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी द लेजिस्लेचर्स मे बी बाई कैमरल बाई कैमरल और यूनिकैमरल भारत में सारा है ये ठीक है ना तो बोल रहे अच्छा यूनिटरी फीचर की बात करें यूनिट्री फीचर में ड्यूल गवर्मेंट कैसा जाएगा ये फेडरस्टिक वे है। ये फेडरलिज्म को दिखाता है तो पहला तो ऑप्शन में नहीं आ सकता तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता ठीक है ना अब या तो तीन और चार होगा तो सेकेंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी फेडरलिस्टिक कैरेक्टर का कर भाग है भारत के इंडिपेंडेंट ज्यूडिशियरी नहीं ये भी नहीं आता ये भी नहीं आता आपका तो थर्ड भी आपका गलत हो जाएगा आंसर होगा फोर एंड फोर ऑनली ठीक है ना मैं बता देता तो हूँ कैसे देखो लिखा हुआ है फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एक्सपेंड बिलो पहले लिखा ड्यूल पॉलिटी द कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेबलाइज द ड्यूल पॉलिटी कंसिस्टिंग द यूनियन एट द सेंटर एंड द स्टेट एट द पेरीफेरी मतलब राज्यों में क्या होगी राज्य सरकार होगी और केंद्र में क्या होगी केंद्र सरकार के पास पावर होगी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है द कॉन्टीट्यूशन इज नॉ ऑनली रिटन डॉक्यूमेंट बट ऑल्सो द लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड भारत का सबसे बड़ा है डिवीजन ऑफ द पावर लिखा द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड द पॉवर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन टर्म्स ऑफ द यूनलिस्ट एंड दिन जिसमें दोनों को होती हैड्यूल जो आपका उसमें मैंशनड है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम और द हाइस्ट लॉ ऑफ द लैंड यह याद रखना रेजिड uh, कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा देखो द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू द एक्सटेंड दट दो कंसर्न विद द फेडरल स्ट्रक्चर्स सेंटर स्टेट रिलेशन एंड द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन कैन भी अमेंडेड ऑनली बाई द जॉइंट एक्शंस ऑफ देंट्रेन स्टेट गवर्नमेंट आप जानते जब uh, किया जाता ना आपका थ्री सिक्सटी एट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इतना आसान नहीं होता एक प्रोसेस उस पर यह होती जैसे जी एस टी था तो जीएसटी को पास करना था तो सेंटर में एक तो आपका किस तरीके से करना था लोकसभा राज्यसभा में आपका किस तरीके से करना था तो करना था टू थर्ड मेजोरिटी से और उसी के साथ साथ आपका जो लेजिस्टिव असेंबली है राज्यों की तो पचास से ज़्यादा फिफ्टी मोर देन फिफ्टी जो आपके स्टेट्स होने चाहिए थे वहाँ पर भी आपको सिंपल मेजोरिटी से पास करवाना था तो इसलिए रिजिज कॉन्स्टिट्यूशन भी है आप इतने आसानी से चेंज नहीं कर सकते लॉ को इंडिपेंडेंट जुडिशरी है बिल्कुल सही है भारत में इंडिपेंडेंट जु जुडिशरी और जो आपकी क्या होती है एग्जीक्यूटिव होती है और जो बोल सकते हैं आपकी लेजिस्टिव होती है वो एक दूसरे पर डिपेंड करती है बाई भी है भारत में अगर देखा जाए तो सेंट्रल लेवल पर आपका क्या हो जाता है अपर हाउस राज्यसभा और लोअर हाउस लोकसभा आ जाती है और स्टेट्स में आप क्या आ जाती है कौन से लेजिस्टिव असेंबली और लजिसटिव काउंसिल मतलब विधानसभा और विधान परिषद पर सब जगह नहीं है वहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं है कि आपका क्या होगा बाई कैप्टिलिज्म देखने को मिलेगा केवल छह ही राज्य जहाँ पे बाई कैप्टलिज्म है बाकी सब में क्या है यूनिक है केवल विधानसभा होती है आपकी अब देखो यूनिट्री फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिसाइड द अबव फेडल फीचर्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्टीट्यूशनो प्रोसेस सॉरी प्रोजेसिस द फॉलोइंग यूनिट्री और नॉन फेडल फीचर्स स्ट्रॉग सेंटर होगा यूनिट्री फीचर में आता है कि भाई अब देखो भारत का पूरी तरीके से फेडलिस्टिक स्ट्रक्चर नहीं कॉसी फेडरिज्म अपनाता है भारत जो उसने कहाँ से ले रखा कनाडा से स्ट्रॉग सेंटर होगा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होगा द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी प्रोविजनस है नो no इक्वलिटी ऑफ़ द स्टेट रिप्रेजेंटेशन है सिंगल सिटीजनशिप इंटीग्रेटेड जुडिशरी ऑल इंडिया सर्विसेज और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ये दिखाते हैं भारत की यूनिटरी फीचर्स को जैसे फेडरल और यूनिटरी में देखेंगे तो देखो फेडरल में क्या ड्यूल गवर्नमेंट दैट इज नैशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनलेंट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा डिवीजन ऑफ द पॉवर बिटवीन दट नेशनल एंड द रीजनल गवर्मेंट सुपर में सेजिट कॉन्स्टिट्यूशन होगा इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होगी बाई होगा यूनिटरी गवर्नमेंट की अगर बात करें सिंगल गवर्नमेंट होती है दट इज नेशनल गवर्नमेंट विच मे क्रिएट रीजनल गवर्नमेंट्स वही बना सकती है जैसे वहाँ पर है आपका कहाँ पे चाइना में यूनिटी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ देखने को मिलती कॉन्स्टिट्यून मे बी रिटन जैसे आपका फ्रांस में या अनरिटन भी हो सकता है जैसे ब्रिटेन में नो डिवीजन ऑफ द पावर ऑल पावर्स आर वेस्टेड इन द नेशनल गवर्मेंट फोर कॉन्स्टिट्यूशन मे बी सुप्रीम जैसे जापान में और मे नॉट बी सुप्रीम इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन मे बी रिजिट इन फ्रांस और फ्लैक्सीबल इन द ब्रिटेन जुडिशरी मे Or may not be ये के हैं और यहाँ पर, है और यहां, पर है, यहां पर लिखा हुआ है इट इज केम इन टू फोर्स इन द सर्टेन डेट अब देखो रिटर्न के रिटर्न इसलिए किया गया क्योंकि भाई एक टाइम तक हमें लिख सके तो इसमें एक सर्टेन पीरियड में लिखा हुआ है कि फ्रेम किया गया था एक सर्टेन पीरियड में एक लिखा केम इन टू फोर्स इन द सर्टेन डेट तो आप जानते हैं कि हमारा जो आ, बोल सकते हैं यहाँ से पकड़ सकते हो सबसे आसान यही है कि भाई आप यहाँ से पकड़ सकते हो कि हमारा जो बोल सकते हैं अडॉप्टेड था कॉन्स्टिट्यूशन वो था आपका छब्बीस नवंबर को ट्वेंटी सिक्स नवंबर नाइनटीन फोटी नाइन को तो एक सर्टेन डेट थी तो ई तो आपका आंसर होगा ये तो क्लियर हो गया अब ई कहाँ पर है यहाँ पर नहीं है यहाँ पर नहीं है अब या तो ये होगा या तो ये होगा ठीक है ना अब देख लो लिखा हुआ इट इज फ्रेम्ड सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिल्कुल सही है एक निश्चित कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी ड्राफ्टिंग कमेटी उसके थ्रू ये बनाई गई थी आपका बी आंसर होने वाला है तो बी दोनों जगह है ठीक है उसके बाद लिखा इट इज फ्रेम्ड बाय द असेंबली हेडेड बाय द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अब देखो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे ठीक है ना आ, याद रखना आप लोग तो सी तो वैसे भी आंसर नहीं दोनों जगह तो ये आंसर नहीं हो सकता कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द फंडामेंटल राइट टू द सिटीजन्स अब देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट्स और वो क्या है एज रिटर्न है आप जानते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं तो ये आंसर हो जाएगा आपका तो अब ये गलत हो जाता है एक ही आंसर बचा बी डी ई बस ऐसे कर सकते हैं एलिमिनेट जो चीज़ें आपको पता है उसके हिसाब से देखना होता है, नहीं तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है आपका टफ बन जाएगा देखो वो हाईवर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिटन रिटर्न फॉम ऑनली वैन इट हैज़ टेकन द एस्पिरेशन फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज एंड ट्रांसफॉर्म दोज प्रोविजन टू मैच दियर सोवेर नीड्स In India, this process was done by Constituent Assembly. Secondly, a new Constitution need to have date of enforcement; therefore, it has to be in written form. For better understanding of the fundamental rights enshrined in the Constitution, it must be written with utmost clarity. bahut zaruri hai कि अगर आपको क्या करना है fundamental rights को enshrined करना है clear होने चाहिए कि भाई आपके मार्गदर्शिका अधिकार क्या हैं तो लिखे हुए होने चाहिए तभी जाके वो clear हो पाएंगे. Feature of the Constitution of India तो lengthiest है. सिंगल सिटीजनशिप है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गमेंट है ब्रांड ऑफ द रिजिटी एंड फ्लैक्टी दोनों कॉन्स्टिट्यून ऑफ इंडिया इन इट्स एंड द स्प्रिट इट इज ऑल्सो नोन एज द बैग ऑफ द बोरिंग सभी देशों से हमने कुछ ना कुछ ले रखा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन द ट्वेंटी सिक्स ऑफ नवंबर नाइनटीन फोर्टी नाइन और केम टू फोर्स इन द ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी नाइनटीन फिफ्टी एट प्रेजेंट टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंट्रीज द थ्री नाइनटी फाइव आर्टिकल ट्वेंटी टू पार्ट और द ट्वेल्ल शेड्यूल अब ये याद रखना है ट्वेंट टू पार्ट के तो पच्चीस गए टोटल ठीक है ना इसमें आर्टिकल सॉरी आपका पार्ट फोर ए आ जाता है उसके अलावा नाइन ए आ जाता है नाइन बी आ जाता है और फोटीन ए आ जाता है ये तो जुड़ जाते हैं और इसके अलावा माइनस हो जाता है सेवन वाला वो हट गया था आप जानते हैं सेवन तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था नाइनटीन फिफ्टी सिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव वे में जब आपके स्टेट्स बनाए जा रहे थे तो उसको हटा कर क्या कर दिया गया था आपका लिंग्विस्टिक बेस पर कर दिया गया था तो टोटल थे बाईस बाईस में से एक घटाओ और प्लस चार करो तो कितना हो जाएगा प्लस थ्री होगा और ये हो जाएगा टोटल पच्चीस तो याद रखना आप पच्चीस हैं टोटल थ्री नाइन्टी फाइव ये अगर आप देखेंगे तो इनकी लगभग लगभग संख्या अगर अगर देखें क्लॉज वन क्लोज टू इस इस तरीके से जोड़ के ठीक है जितने भी संविधान ये लगभग फोर फिफ्टी क्रॉस कर चुके हैं और शेड्यूल्स आपके ट्वेल्व भी हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो द फेडरल एंड द यूनिटी कैरेक्टरिस्टिक दोनों रखता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मस्ट फीचर ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर याद रखना लिखा हुआ संविधान एक बोल सकते हैं मस्ट फीचर होता है किसका फेडरल स्ट्रक्चर का संघीय व्यवस्था का इट इज एंड द डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड इट केम फोर्स ऑन के ट्वेंटी फिफ्टी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और ट्वेंटी सिक्स नवंबर को हमारा क्या संविधान दिवस मनाया जाता है ठीक uh, है ना कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द गवर्मेंट वॉज एडॉप्टेड बाई द इंडिया हमने अपना रखा पार्लियामेंट्री एंड फेडरल सिस्टम अपना आ रखा यह या आपने याद रखना है इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये सारा प्रेम्बल में लिखा है ट्रिपल एस डी आर ठीक है ना इसमें सोशलिस्ट एंड सेकुलर ये जो वर्ड्स थे ये आपके फोटी सेकेंड अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स के थ्रू डाले गए थे ठीक है ना ये आपने याद रखना है द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट अडोप्टेड बाय द इंडिया आर द पार्लियामेंट्री द फेडरल फॉर्म्स अब कुछ कुछ फीचर्स आ जाते हैं किसके यूनिटरी के भी आ जाते हैं पर मेनली कैसा फेडरल है पार्लियामेंट्री सिस्टम इज द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द पार्टी विद द ग्रेटेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट फॉर्म द गवर्नमेंट जैसे बीजेपी ने अभी सबसे ज्यादा क्या सीट्स है तो उसने क्या सरकार बना रखी इट्स लीडर्स बिकम इन द प्राइम मिनिस्टर फेरलिज्म बोला जाता है इस सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द सेम टेरेटरी इज कंट्रोल बाई द टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट केंद्र सरकार राज्य सरकार अब फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट डिवाइड्स इन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट बिटवीन द नेशनल एंड द स्टेट एंड द लोकल लेवल्स दस वी कैन से द पार्लमेंट्री एंड द फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्मेंट वजप्टेड बाई द इंडिया अब यहाँ पे मैच करना ये आप लिख लेना ठीक है ना जैसे बोला जाता है कि भाई के सी वेयर के सी वेयर को बोला जाता है कि ये बोल सकते हैं इन्होंने कौसी फेडरलिज्म जो थ्योरी है उसको दिया मॉरिस जॉन्स की अगर बात करें तो मॉरिस जॉन्स जो थे इन्होंने बारगेनिंग फेडरलिज्म को दिया है और ग्रैंडविल ऑस्टिन की अगर बात करें तो इन्होंने कॉपरेटिव फेडरलिज्म को बताया था और आइवर जेनिंग्स की अगर बात करें तो आइवर जेनिंग्स ने दिया फेडरेशन विद द स्ट्रॉग सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी तो आंसर बन जाएगा वन का सी टू का डी थ्री का बी और फोर का ए याद कर लेना ये लिखा हुआ इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ द फेडरेशन इन विच सम स्टेट हैव द मोर पावर देन द अदर्स इंडियंस इंडियन फेडरलिज्मल द कैंडियन मॉडल याद रखना भारत ने यू वाला मॉडल नहीं अपनाया था कैंडियन मॉडल अपना रखा आर्टिकल वन डिस्क्राइब इंडिया एज अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स इट इज नॉट रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट एंड द स्टेट हैव नो राइट टू सी सिड द फेडरेशन मतलब ये बोल सकते हैं uh, छोड़ के नहीं जा सकते क्लियर बात समझ में आई थी ना तो इंडिया इज द यूनियन ऑफ द स्टेट्स ये बोला जाता है भारत भारत के राज्यों का एक संघ है इट्स एन इन डिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ द डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स डिफरेंट स्कॉलर्स स्कॉलर डिफरेंट ओपिनियन ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया जैसे के सी वी आर बोलते हैं डिस्क्राइब से करते हैं क्वासी फेडरलिजम जो हम मानते भी ग्रामिनल ऑस्टिन बोलते हैं कॉपरेटिव फेडरिज्म नीड टू नेशनल इंटीग्रिटी एंड द यूनिटी मॉरिस जॉन्स बोलते हैं बार्गेनिंग फेडरलिज्म है आइवर जैनिंग बोलते हैं फेडरलिज्म विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी मतलब फेडरलिज्म तो है पर पावर ज़्यादा किसके पास है झुकाव किसकी तरफ है सेंटर की तरफ फेडरिलज्म इन इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ अ फेडरल सिस्टम बट विद मो टेल्ट टू वर्ड अ यूनिटी सिस्टम और द गवर्मेंट फेडरल संघीय व्यवस्था है पर ज़्यादातर किसकी तरफ झुकी हुई है केंद्र की तरफ केंद्र के पास ज्यादा पावर है इट समाइम्स कंसिडर कॉस दैरल एज इट हैज द्यूचर ऑफ द बोथ ऑफ फेडरल एंड द यूनिटी सिस्टम आर्टिकल वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट इंडिया इज द इंडिया दट इज भारत याद रखना इंडिया दट इज भारत सेल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स द वर्ड फेडरेशन इज नॉट मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना फेडरेशन वाला शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम अब देखो यहाँ पे वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी भी दे रखा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव कन्व्यूजन हो जाता है तो मैं बता देता हूँ प्रोविजन जो प्रोविजन जो ले रखे हैं वो आपके ले रखे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से और उसके टाइम पे जो आपके फंडामेंटल राइट्स एबोलिस्ट हो जाते हैं वो है वीमर संविधान से जब आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाते हैं खत्म हो जाते हैं कि दो ही रहते हैं आपके आर्टिकल ट्वेंटी और ट्वेंटी वन और एक आर्टिकल नाइनटीन आपका तब रहता है जो आपका बोल सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच तब रहता है जब आपका बोल सकते हैं कि आपका क्या वॉर कंडीशन हो आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं तब ये बना रहता है और एक एक्सटर्नल जो एग्रेशन होता है वो रहता है ये भी एबुलस्ड हो जाएगा जब आपका क्या होगा बोल सकते हैं जब आपका नहीं 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 वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम पे ख़त्म हो जाता है और केवल ये आप जो बोल सकते हैं जो आपका बोल सकते हैं आर्म रिपेलियन होगा ना उसी के टाइम पे ये बना रहता है आर्म रिपेलियन के टाइम पे आर्टिकल नाइनटीन भी खुल जाता है वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम पे ये क्या हो जाता है एबोलिस्ट हो जाता है लिखा हुआ है कि आ, देखो लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव देखो मिस्टेक पॉइंट क्या है हिर द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द इमरजेंसी प्रोविजन बोरोड फ्रॉम सो द करेक्ट आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव अगर लिखा रहता सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी तब होता आंसर कौन सा वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी देखो लिखा हुआ इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दीज प्रोविजन्स आर कंटेंड इन द पार्ट अगर इमरजेंसी प्रोविजन की बात करें एटीन में ठीक है ना पार्ट एटीन आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू टू थ्री सिक्सटी दिस प्रोविजन इनेबल द सेंटर गवर्मेंट टू मीट एनी एबनॉर्मल सिचुएशन इफेक्टिवली और यह दिखाता है बेटा यूनिटरी सिस्टम को भारत में क्या है कि भाई थोड़ा बहुत क्या देखने मिलता है यूनिटी सिस्टम ऑफ गवर्मेंट देखने को मिलता है सेंटर के पास ज्यादा पावर देखने को मिलती है फेडलिस्टिक कैरेक्टर पर वार रही है ठीक ना द रेशनलिटी बिहाइंड इनकॉपरेशन ऑफ दिस प्रोविजन इज कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेफ गार्ड टू सॉर्नेटी यूनिटी इंटीग्रिटी इन द स्योरिटी ऑफ द कंट्री द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्टिट्यूशन आप देखो क्या लिखा हुआ है थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी आती पहले नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी वैन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटन ऑन द ग्राउंड ऑफ द वॉर एक्शनल एंड द आर्म्ड रिपेलियन ठीक है ना पहले आर्म्ड डिपेलियन क्या होता था आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस होता था Uh, इसी के आधार पर uh, इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया था uh, आपका 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी 77 तक पर जैसे uh, जनता पार्टी की सरकार आती है उस टाइम पे तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को चौवालीसवें संविधान संशोधन फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन 1978 नाइनटीन के थ्रू क्या कर दिया जाता है चेंज कर दिया जाता है बाई आर्म्ड रिबेलियन ठीक है फाइनेंशियल इमरजेंसी की अगर बात करें आर्टिकल 360 सिक्सटी में था इम्पावर द प्रेडेंट टू प्रोक्लेम अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ ही इज नॉट सेटिसफाइड विद द सिचुएशन दैट हैज़ आइजन एंड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स टैटरी इज थ्रेट याद रखना पर आज तक भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है ठीक है ना अगर फाइनेंशियलियमरजेंसी लगी तो हो सकता है कि जितने भी सरकारी दफ्तर हो वहाँ पर क्या हो जाए वेतन में कमी देखने को मिले आज तक लगी चांसेस आए थे एक बार वन में पर भारत ने अपना आपको संभाल दिया था स्टेट इमरजेंसी की बात करें आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स और आर्टिकल थ्री सिक्सटी फाइव के में इसके कुछ रूल्स मिल जाते हैं तो लिखा इट इज़ प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स एंड इज पॉपुलरली नोन एज द प्रेजिडेंटेंटेंटेंटेंट रूल इट इम्पावर द प्रेडेंट टू इशू अ प्रोक्लेमेशन इफ ही इज सेटिसफाइड दैट सिचुएशन हैज अराइजन इन विच द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल इसी का होता है आपका स्टेट इमरजेंसी का ठीक है ना राज्यों में नियंत्रण करने के लिए अब देखो क्या क्या ले रखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 थर्टी फाइव से जो ज्यादा से ले रहा फेडरल स्कीम ले रखी ऑफिस ऑफ द गवर्नर जुडिशियरी पब्लिक सर्विस कमीशन इमरजेंसी प्रोविजन एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स ले रखी अब देखो यहाँ पर देखा जाए वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से ले रखा सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी मैंने बता दिया था आपको कौन सा ट्वेंटी और ट्वेंटी को छोड़ के सारे हट जाते हैं सोवियत uh, यूनियन से ले रखा है फाइव ईयर प्लान और एक ले रखें आपकी क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ यूएसएस uh, से ले रहा है फंडामेंटल राइट्स इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ द जजेस एंड जुडिशल रिव्यू भी से ले रखा है हमने आर्टिकल थर्टीन अ सेकुलर स्टेट इन इंडिया कंटेक्सट ऑफ सेकुलर जो जोड़ा गया था फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट में ठीक है ना प्रेमबल में एक ही क्या आपका संशोधन है मतलब एक ही अमेंडमेंट प्रेमबल जो हमारा है जो आपकी क्या उद्देश्य है प्रस्तावना है उसमें केवल एक ही बार क्या और क्या है एक ही बार आपका क्या और संविधान संशोधन और टाइम लिखा हुआ है अलाउ इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस बिल्कुल सही देखो सेकुलर स्टेट का मतलब ये होता है कि भारत का कोई अपना क्या नहीं होगा धर्म नहीं होगा पर भारत के लोगों का धर्म हो सकता है बिल्कुल सही है ए सही हो जाता है डज नॉट रेकग्नाइज रिलीजन नहीं गलत है तो बी तो गलत हो जाता है प्रैक्टिस uh, अब देखो ओनली ए है तो ओनली बी हो नहीं सकता ओनली डी हो नहीं सकता बस चौथे को देखना है पर फिर भी देख ले प्रैक्टिस ओनली वन रिलीजन गलत है कीप द पावर ऑफ रिलीजन

तो ये आपने याद रखना है अच्छा नेक्स्ट आता कंसिडर द फॉलो स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ठीक है तो लिखा हुआ है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आपका क्या होता right है राइट टू वोट है राइट टू वोट है और आर्टिकल कौन सा आता है थ्री ट्वेंटी सिक्स आता है ये आपने याद रखना है ठीक है ना तो यूनिवर्सल एडल्ट जिसको बोलते है सार्भावी मताधिकार कि सभी लोगों को क्या मिलेगा वोट का अधिकार मिलेगा पर एक चीज़ याद रखना सभी लोगों को मतलब इसके लिए एज डिसाइड करेगी एज है आपकी कितनी एटीन पहले ये इक्कीस वाह करती थी पर जो आपका सिक्सटी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेडमेंट था नाइनटीन एटी नाइन का उसके थ्रू राजीव गांधी के समय से कितना कर दिया गया था अठारह कर दिया गया था तो सभी को नहीं अठारह साल से ऊपर वालों को तो देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मेक्स डेमोक्रेसी ब्रॉड बेस्ड एंड अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी नेक्स्ट देखा इट मीनस दट द ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट अब देखो यहाँ पर ऑल लिखा हुआ है तो ऑल तो हो ही नहीं सकता रिस्पेक्ट ऑफ द कास्ट ट्रीड एंड रिलीजन बाकी सब सही है पर उसने ऑल लिख दिया सभी नहीं होते ठीक है ना तो दो तो आंसर नहीं हो सकता तो टू जहाँ पर है वहाँ पर क्योंकि करेक्ट बताना है तो आंसर नहीं हो सकता इट ओपन अप द न्यू होप्स एंड द विस्टास फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मुझे वन एंड थ्री ठीक है तो लिखा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज स्टैब्लाइज द पॉलिटिकल इक्वालिटी अमंग द ऑल द एडल्ट्स पहले नहीं होता था एक टाइम पे क्या होता था जब स्वतंत्रता से पहले देखेंगे तो उससे पहले किसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था ही नहीं सार्वभौम मताधिकार था ही नहीं जो टैक्स वगैरह पे करते थे उन्हें अधिकार थे महिलाओं को भी उन्नीस सौ बीस के बाद अधिकार मिलते थे वो भी जो टैक्स पेबल थी उन्हीं को मिलते थे पर उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद सभी को दे दिया गया चाहे गरीब अमीर कोई भी हो बिना किसी भेदभाव के ये अधिकार सबको दिए गए थे वोट का अधिकार इट इंश्योर दट द ऑल द पीपल आर हैविंग द हैंड्स इन द इलेक्टिंग रूलर एंड हैंड्स द गवर्नमेंट इज डेमोक्रेटिक इट ऑल्सो मेक द डेमोक्रेसी ब्रॉड बेस्ड यूनिवर्सल फ्रेंचाइज सफरेज गिवस द राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन हु इज द एटीन ईयर ऑफ एज और दिगार्डलेस ऑफ द वेल्थ इनकम जेंडर सोसाइटी स्टेटस एंड रेस एथनेसिटी ईटीसी 61st constitutional amendment lowered the voting age from the 21 to 18 it opened up the new hopes and the restart for the weaker sections or the of the society as it empowered the people to elect their own government in a democratic manner the political equality established by the universal electoral franchise provide a sense of the empowerment to all the especially the weaker section of the society. नेक्स्ट ले बैकग्राउंड देख लेते हैं ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड ओनली थर्टीन परसेंट ऑफ द इंडियन सिटीजन हे द राइट टू वोट केवल देखो भारत के स्वतंत्र होने से पहले तेरह परसेंट लोगों क्या था वोट देने का अधिकार था अ फ्यू डेकेट्स बिफोर इंडिपेंडेंस द डिमांड फॉर द यूनिवर्सल एडल्ट्रेस वॉज गेनिंग ट्रैक्शन ठीक है ना द मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू एडवोकेट द अनलिमिटेड Unlimited adult franchise and the equal right for the women's Bhimrao Ambedkar appeared before the Simon Commission 1921 and insisted on the incorporating universal adult franchise into the Indian Constitution. Later, at the Karachi session of the 1931, the Indian National Congress called the political equality. According to the party, it would be the critical step toward the making the electoral process more uh, participatory and inclusive. From 19, uh, from November 1947, India embarked on the preparation of the first draft.

रूल ऑफ लॉ लजिसटिव प्रोसीजर्स बाई कैपिटलिज्म कैपिनेट सिस्टम प्रोरोगेटिव रिट्स एंड द पार्लियामेंट्री प्रिवेलेजेस यू एस कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर रहा इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी फंडामेंटल राइट्स वो ऑल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट जजेस एंड द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट जुडिशियल रिव्यू इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ले वेस्टिंग ऑफ द रजरी पावर जो फेड फेडरिज्म uh, को बताती है रेजिडरी पावर्स होती है अफसिज सकती है कि भाई अगर कोई भी चीज़ बोल सकते कोई भी विषय अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट आपका सेंटर स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में मैंशन नहीं है तो सीधे वो सब्जेक्ट पर बोल सकता है डिसीजन लेने का जो बोल सकता है डिसीजन जो ले सकती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है इसे बोलता है रेजिडरी पावर्स फेडरेशन विद द स्ट्रॉग सेंटर द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी डुडक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वीमर कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी फिर नेक्स्ट आता है फंडामेंटल राइट्स ले रखे हैं यूएस बिल ऑफ राइट्स क्या लिखा नॉट करेक्ट ना ठीक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द आयरलैंड से ले रखा है ना कि यूएसएसआर से तो ये गलत हो जाता है बी इज़ द राइट आंसर कैबिनेट गवर्नमेंट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और यूनियन स्टेट रिलेशन जो आते हैं कैंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखे हैं तो देखो क्या क्या लिखा ऑस्ट्रेलिया से ले रखा है लिस्ट फ्रीडम ऑफ द ट्रेड कॉमर्स एंड द इंटरकोर्स द ज्वाइंट सिटिंग ये भी याद रखना ऑस्ट्रेलिया से ले रखी है और जॉइंट सिटिंग का जो आपका आर्टिकल है वो है आर्टिकल 108 तीन ही बार बैठी अब तक अब तक ठीक है ना एक था आपका कौन सा डाउरी प्रोविजन वाला एक था आपका आ, कौन सा वाला न, बैंकिंग रेगुलेशन वाला और एक था आपका कौन सा वाला न, आपका था एक एंटी टेररिजम वाला था ठीक है ना तीन टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 थर्टी फाइव फेडरल स्कीम है ऑफिस ऑफ द गवर्नर है जुडिशरी पब्लिक सर्विस कमीशन है इमरजेंसी प्रोविजन है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स है ब्रिटेन से ले रहे पार्लियामेंटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ लेजिटिव प्रोसीजर्स सिंगल सिटीजनशिप कैबिनेट सिस्टम प्रोग्रेटिव रेट्स

सोवियत रूस से क्या ले रखा भाई फंडामेंटल ड्यूटीज द आइडल ऑफ द जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल ठीक है ये पेम्बल में मैंशन है आपके जस्टिस तो याद रखना सेप जिन्हें बोला जाता है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल और बाकी आपका जो प्लानिंग कमीशन है यह बोल सकता है फाइव ईयर प्लान है वो भी कहाँ से सोवियत यूनियन से फ्रांस से भाई द आइडल ऑफ द रिपब्लिक इन द प्रम्बल द आइडल ऑफ द लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी वीमर कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टूश या संविधान संशोधन ने साउथ अफ्रीका से ले रखा है और इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा ठीक है ना अच्छा यहाँ पे गलती मत कर देना अगर मेंबर ऑफ राज इक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा यहाँ से ले रखा है और अगर बोलेगा क्या अगर बोलेगा कि भाई यहाँ पर नॉमिनेशन अगर राज्यसभा में हो जो बारह सीटें होती है आपकी तो ये आयरलैंड से ले रखा है तो नॉमिनेशन बाय आयरलैंड और इलेक्शन बाय द इलेक्शन कहाँ से साउथ अफ्रीकन जापान से आपका क्या का प्रोसीजर ऑफ लॉ ले रखा है ठीक है ना तो इस वीडियो को यहीं तक करते हैं जय जय भारत